कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह आज शाहबाद मारकंडा में नए विश्राम गृह भवन का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने जींद उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद उत्साह से लबरेज होते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में 10 के 10 सीटें भाजपा जीतेगी। यही नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जींद उपचुनाव में इनेलो भाजपा का समर्थन था, लेकिन उन्हें 3300 के आसपास मतों से संतोष करना पड़ा, जबकि जीजेपी आप यानी चारों दलों के मतों को जोड़ दिया जाए तो भी भाजपा प्रत्याशी अच्छी और संतोषजनक मतों से विजयी रहा। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि आगामी चुनावों में भाजपा के मुकाबले में कोई भी दल नहीं है, सभी दल दूसरे व तीसरे नंबर पर रहेंगे। दक्षिण हरियाणा के एक नेता दिग्गज राव इंद्रजीत के लोकसभा चुनाव लड़ने पर समर्थन बारे उन्होंने कहा कि हालांकि वह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी आला कमान उनकी जो भी ड्यूटी लगाएगी उनके सर माथे पर रहेगी। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं, उन्होंने कहा। माननीय मनोहर लाल जी वहाँ घोषणा करके आए थे बावल की विधानसभा में और उन्होंने वो मंजूर किया है। और मेरा ये मानना है कि दक्षिण हरियाणा से सभी सीटें पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के हक में गई थी। आने वाले चुनाव में दोनों में, चाहे विधानसभा का और लोकसभा का, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। अच्छा, अभी आप लोगों के चुनाव जीतने की वजह से इनेलो और जेजेपी में काफ़ी मारकटोगल मच गई है। मायावती ने जो है अपना समर्थन कहा है कि अगर दोनों पार्टियां एक नहीं होती हैं तो समर्थन जो है इनेलो से वो अपना खींच लेंगी, मतलब गठबंधन तोड़ देंगी। उधर जेजेपी के दुष्यंत का कहना है कि वो जो है जेजेपी के साथ जो है बसपा का गठबंधन होगा। तो ये जो नए आपकी विपक्षी पार्टियों के सिनेरियो बदल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? मैं कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी का फैसला समझौता दोनों का था। दोनों ने मिलकर 3200 के आसपास वोट लिए हैं। आप उन दोनों को भी जोड़ के चारों को भी आप एक कर दो, आप पार्टी को भी, जेजेपी को भी, बीएसपी को भी, इनेलो को भी, तो भी उनके वोट कहाँ रहे? हमारी जो जीत हुई 12000 से ऊपर हुई, 3000 वोट उनको भी दे दो तब भी 9000 से जीत हुई। इस आने वाले दोनों चुनाव में, चाहे लोकसभा का और विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी का किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है। ये दूसरे और तीसरे के लिए लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा और विधानसभा में अच्छे बहुमत से जीते। दक्षिण हरियाणा के दो छत्रप कहे जाते हैं, एक राव नरबीर और दूसरे राव इंद्रजीत सिंह। क्या इस बार लोकसभा में राव नरबीर भी अपना किस्मत आजमाएंगे कि मंत्री बन करके? नहीं, मेरी इच्छा तो विधानसभा चुनाव लड़ने की है और मैं कोशिश करूंगा मैं विधानसभा चुनाव ही लड़ूं। सर, इलेक्शन है, लोकसभा के विधानसभा इकट्ठा होने की संभावना है कि अलग अलग? तो राव इंद्रजीत, ये नरबीर सिंह का फैसला नहीं है, ये पार्टी का माननीय मुख्यमंत्री का संगठन जो फैसला करेगा उसी हिसाब से पार्टी राव संभावना है। राव इंद्रजीत, मैं नहीं कहता, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि चुनाव बाद में होंगे तो बाद में ही होंगे। राव इंद्रजीत साहब चुनाव लड़ेंगे तो पूरा मेहनत करेंगे जिताने के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी नरबीर सिंह उसकी जीत और मदद करेगा। सर, आगामी चुनावों में आपकी क्या कुछ रणनीतियां रहने वाली हैं? जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां उनका प्रचार प्रसार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा लोकसभा चुनाव जीतेगी। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए यस टीवी के साथ।